नमस्कार दोस्तों, मैं एस राघव आपका हार्दिक मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल 2019 को टारगेट करते हुए एसएससी सीजीएल 2018 के टायर वन के जो मल्टी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे उसका 4 जून को हुए एग्जाम का 10 से 11 बजे जो एग्जाम पेपर हुआ था उसकी मैथ के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और इसमें से पहले टोटल 25 क्वेश्चन में से 1 से 13 क्वेश्चन है वो मैं इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट यानी जो पार्ट वन है इसका उसमें डिस्कस कर चुका हूँ और 14 से 25 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों एक चीज और, आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना और फिर मैं इसका ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और फिर मैं इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। 14th क्वेश्चन दे रखा है इसमें x plus y square, इसमें दोस्तों एक ये फॉर्मूला पहले लगाई, इसमें दो तीन बार हमें ये करना पड़ेगा। पहले x plus y plus z square equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus yz plus zx। तो इधर x plus xyz की वैल्यू इधर पुट कर दिए, 19 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 361, x square plus y plus z square इधर रखा 133 plus 2 ये x plus xy plus yz plus zx ये इधर आ जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर हम x जो एक्स जेड की वैल्यू है यहाँ एक्स जेड इसको भी हम वाई स्क्वायर रखते हैं, वाई स्क्वायर तो ये इधर आके माइनस होके 228 हो जाएगा, 228 इक्वल टू 2, इसमें से y तीनों में कॉमन है, y कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इस x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम ये हमारा 19 है तो इसको मल्टीप्लाई 19 कर देंगे, ठीक है। तो 2 बन जाएगा 114 और 19 6 114, यानी वाई की वैल्यू हमारी आ गई 6। इस वाई की वैल्यू को हम इधर रख देंगे 6 को, तो हमारा यहाँ से एक्स ये वाई की वैल्यू 6 आ गई, एक्स प्लस जेड आ जाएगा 19 माइनस 6 यानी कि हमारी ये 2 वैल्यू आ गई। अब हमें इधर निकालना है डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस जेड निकालना है, इसका एक फॉर्मूला का स्क्वायर x माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस जेड का स्क्वायर, आपने काफी टाइम पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, माइनस 4xz। x माइनस जेड का स्क्वायर ये तो हमें चाहिए, x प्लस जेड कितना होगा 13, 13 का स्क्वायर होगा 171 माइनस 4xz, इधर xz इक्वल टू y स्क्वायर दे रखा है, तो ये एक्स जेड वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 6 है तो 6 स्क्वायर यानी कि 36 यानी कि 169 माइनस 144 ये आ गया 25, यानी एक्स माइनस जेड का स्क्वायर 25, तो एक्स माइनस जेड आ जाएगा हमारा ये तरफ हो जाएगा 5। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये और इसको शॉर्टकट की वजह हम ऐसे करना चाहिए तो हमें काफी फंडे भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक है, ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम अगर वैसे करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके तो काफी टाइम लगेगा, इसमें सबसे अच्छा कि हम इसी एंगल को मान लेते हैं और इसमें भी अगर हम 0 या 45 मानेंगे तो क्योंकि कोण और टेन 45 पे एक जैसा रहता है तो हमें हो सकता है कि हमें अभी तो ये दिख रहा है आंसर, लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में हमारे टाइम वेस्ट होगा, तो बेटर है कि आप इसको 30 या 60 मान के कर लो। अगर हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इधर मान के चलते हैं तो इसका जो भी सटीक आंसर है वो आएगा, तो इधर इसका जाएगा, इसमें थीटा इक्वल ये 30 रखो तो 2 इसका पहले निकाल लीजिए, 2 प्लस 30 पे रहता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3 प्लस कोट 30 होता है √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 बाय sec होता है 2/√3 cos का उल्टा, और ये होता है 1/2 का उल्टा जो sin होता है उसका उल्टा यानी कि 2, हो जाएगा हमारा 3 × 6 = 7, 3 × 9 = 16, 16/3 / 4/3 4 जो
और 16, इससे ये चार रूट तीन, तो इसमें सब में वैल्यू पुट करके देखो, जहां पे चार रूट तीन आएगा, कोट 30 होता है रूट तीन, तो ये तो आंसर बन ही सकते हो। कोस साइन कोस 30 होता है रूट तीन बाई दो, तो ये होता है एक बाई दो, तो ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये रूट तीन बाई चार आएगा। ये होता है दो बाई रूट तीन, ये कोस होता है दो, तो ये होगा चार बाई रूट तीन, यानी कि हमारा ये आंसर सही। तो इसे अभी बार टीसीएस ने कुछ प्री में भी क्वेश्चन का लेवल ऐसा उठाया जिसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन या करने में टाइम आपको देना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन ऐसे रहते थे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाते थे, लेकिन अब की बार आपको टाइम देना ही पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन सेट किए। आपने क्वेश्चन शायद पढ़ लिया होगा वीडियो पॉज करके, तो बोला गया एक सर्कल है, सेंटर को है, रेडियस इसकी 10 है, पी क्यू और पी आर दो कोण है, पी क्यू और पी आर, पी क्यू पी आर, ये दोनों 12 है, यानी दोनों 12 है मींस ये एक तरह से समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए। तो पी ओ इंटरसेक्ट्स, ये पी ओ इसको इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, क्यू आर को, क्यू आर को जब इंटरसेक्ट करेगा यहाँ एस पे कर, एस पे कर रहा है, तो अब ये पूछ रहा है ये ओ एस, ये ओ एस है इसके लिए पूछ रहा है, तो इसमें आर पी ओ कितना है 10 है, ये रेडियस है जो हमारे इधर दे रखा है। अगर हम ओ एस को एक्स मान लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ठीक है, और यहां से हम एक लाइन और खींच देते हैं क्योंकि ये भी क्यू ओ, ये भी रेडियस है तो ये भी 10 है, और ये दोस्तों जब क्योंकि ये समद्विबाहु है और जब इससे सेंटर पे जाएगी तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 है, तो यानी कि एक हमारा ट्रायंगल पी एस क्यू बन गया, पी एस क्यू, इसमें इसका अगर हम क्यू एस स्क्वेयर निकालेंगे, क्यू एस स्क्वेयर इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर यानी 12 का स्क्वेयर माइनस 10 माइनस एक्स का स्क्वेयर, ठीक है, एक इस ट्रायंगल में हम क्यू ओ एस क्यू में, ओ एस क्यू में इसमें इसका ओ क्यू का स्क्वेयर यानी क्यू एस स्क्वेयर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय से ओ क्यू का स्क्वेयर यानी 10 का स्क्वेयर माइनस ओ एस का स्क्वेयर यानी एक्स का स्क्वेयर। क्यू स्क्वायर ये भी क्यू स्क्वायर इन दोनों को इक्वल रख दो, इन दोनों को जब इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा 12 144 माइनस ये अंदर 100 हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि अंदर ब्रैकेट ओपन होगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस का आएगा क्योंकि ये माइनस में का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये अंदर जाके तो प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और 2ab यानी कि 20x जो अंदर माइनस का होगा ये इस माइनस के साथ ही प्लस का हो जाएगा, 20x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 100 माइनस x स्क्वायर, इसके 100 से 100 गया x स्क्वायर से x स्क्वायर चला, 20x ये माइनस का आएगा, ये 100 का ये 100 नहीं कटेगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा और ये इधर से हमारा 44 बच गया, ये 44 इस तरफ जाएगा तो ये इस 100 में से कटेगा नहीं माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इधर क्योंकि ये माइनस 20x था और ये माइनस से माइनस होके प्लस हो जाएगा, ये हमारा लास्ट में जाएगा 20x इक्वल टू ये 44 इसमें से माइनस हो जाएगा 56 और x इक्वल टू जब आप इसको करोगे तो 2.8 हो जाएगा, आई होप कि आपने ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके पढ़ लिया होगा। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 3 साल बाद जो टोटल जो अमाउंट था ये 8028 था और 6 साल बाद इतना,
तो यानी कि 0 साल में था, एक 3 साल और एक 6 साल, ठीक है। हमारे यहाँ कुछ भी एक्स अमाउंट रहा होगा, यहाँ 8028 और यहाँ 1204। दोस्तों इसमें कभी भी अगर अमाउंट दे रखा है और इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंपाउंड इंटरेस्ट है तो, और यहाँ भी साल का गैप 3 साल है और यहाँ भी टाइम है 3 साल का गैप, तो ऐसे में जो इनका रेशियो है अमाउंट का वो बराबर होगा, यानी कि इनको अगर आप कट करोगे तो अब 2:3 में आपका ये आएगा। इसका मतलब यहाँ भी 2:3 ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ 2:3 था तो क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, यहाँ भी ये 2:3 ही रहेगा 0 से 3। तो इस चीज को अगर हम 8028 को, क्योंकि दो हमें ये 2 की वैल्यू निकालनी, अगर हम इसको 3 की वैल्यू मान लेते हैं तो यानी और हमें 2 की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे, 8028 ये 3 की वैल्यू है क्योंकि ये 3 था इधर, अगर हम इससे कंपेयर करेंगे और इसको 2 की वैल्यू हमने निकालनी है। रेशो आपने पढ़ा होगा, तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो आप 500 आ जाएगा 5353। तो काफी ये सबसे आसान तरीका है टाइम बचाने का, वैसे आप करोगे तो इसमें काफी टाइम इस टाइप के क्वेश्चन पर वैसे कर सकते। अगला क्वेश्चन इसमें बोर्ड मास वाला रूल लगा दीजिए। ये सबसे पहले हम ओ वाले को करेंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 6 इधर नीचे चला जाएगा क्योंकि फिर हम डिवाइड वाला करेंगे, इसके 6 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको ये करेंगे तो ये 6 से 6 एक कट जाएगा, ये एक ये सारा खत्म हो चुका है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बच गया पूरा 2। हाँ अब इसमें आ जाइए, ऑफ वाला पहले लीजिए क्योंकि बोर्ड मास में ऑफ पहले होता है, 4 चौक 16, ये 16 हो गया, ये फिर डिवाइड आएगा, 16 इसके डिवाइड होगा, 16 से 4 16 कट गया तो 4 अरे यानी कि 1 हो गया, 4 और 5 यानी कि यहाँ हमारा 5 आ गया। अब इधर आ जाइए, पहले हम डिवाइड करेंगे, ये इसके नीचे आएगा 4 खत्म हो गया, ये हो गया 1, 4 एकम 4 -4 यानी कि ये हो गया 1, तो हमारा 2/1। आप इस वीडियो को रिप्ले करके भी दे सकते हैं अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लीजिए। बोले कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं x परसेंट के किसी एक मार्क प्राइस में, उसके बाद टोटल डिस्काउंट ये बनता है और मार्क प्राइस ये बनता है, यानी कि ये मतलब है इसका कि मार्क प्राइस में जब डिस्काउंट देने के बाद ये बचता है तो हमें पहले इसका सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो इसका सेलिंग प्राइस होगा 720 -259.20 जो हमारे बराबर होगा 460.8, ये हमारा बचा, यानी कि अब हम 720 पे 2×10x% का डिस्काउंट दे दिया हमने एक बार, और फिर 100 -x% का डिस्काउंट दे दिया, एक मिनट तो हमारा जाएगा 400। इधर से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, जो बनेगी इसको सब को, क्योंकि मैं अभी तो सोल्व करके दिखा सकूंगा, इसमें काफी टाइम वेस्ट अभी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इससे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर, जब आप इसको सोल्व कर लोगे -200x + 3600=0, ठीक है। इसके बाद जब इसमें हम फैक्टराइज करेंगे x² - 180x - 20x + 3600=0, इधर आ जाएगा x-180, यहाँ -20 × x-180, तो एक -180 तो ये हमारा बन जाएगा, एक हमारा x-20 यानी कि x = 1 हमारा 180 आ जाएगा, माइनस इस तो जाएगा x = 20, तो 180 तो होगा नहीं क्योंकि ये 100 से ज्यादा हो रहे, तो हमारा आंसर आ गया 20% का सक्सेसिव ओवर डिस्काउंट दे रहे तब लोग। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक क्यूब है,
क्यूब का वॉल्यूम इतना है, जब भी ये बोले कि इक्वल वॉल्यूम में काटा है तो इसका मतलब आप उसके वॉल्यूम को 8 से डिवाइड करते हैं। अब याद रखिए जब भी इक्वल वॉल्यूम में काटता है तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया बताने ओरिजिनल का और जो तीन स्मॉलर की, तो सबसे पहले हमें इसकी साइड्स निकालनी पड़ेगी। तो इसका जब आप बड़े ओरिजिनल के लिए करोगे, ओरिजिनल के लिए 824 का क्यूब रूट करोगे तो इसका आपको मिलेगा 24, यानी कि ये इसकी साइड आ गई। और जो छोटे वाला क्यूब है उसको 3824 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपका जाएगा 8 × 8 = 256, 8 × 16 = 64। इसका जब आप क्यूब रूट करोगे 3, तो ये हमारा ये 12 का क्यूब रूट, यानी कि ओरिजिनल वाले की जो साइड है 12 है और छोटे वाले की 8। अब इसका सरफेस एरिया होता है किसी भी क्यूब का, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a². अब आप इनको रेशियो में लेना है, रेशियो बने तो 6, पहले हम ओरिजिन लेंगे ए स्क्वायर, यानी कि 4 × 24 × 24 रेशियो, छोटे वाले का 6a × a। और इसमें हमें क्योंकि तीन लेने हैं, तीन स्मॉलर, तो हम इसको 3 से और मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 24 6 से 6 खत्म, तो हमारे 2 × 4 रेशियो। फिर से डीआई वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी, टाइप बी का 2012 में 42, 14 में 40 और 2015 में 38, ठीक है, ये तीनों मिला के हमारे हो जाएंगे 120, ठीक है। उसके बाद टाइप ए का 2013 में 35 और 16 में, इन दोनों को ऐड कर लोगे तो हमारे हो जाएंगे 91। अब ये बोल रहा है कि ये इससे बी वाला ए वाले जो दोनों साल में इससे कितना परसेंट ज्यादा है, तो वैसे तो 29 ज्यादा है। और जब भी हम ये निकालते हैं कि हमें डाउट ये आता है कि हम 29 बटे क्या करें, 120 करें या 91 करें, तो हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं, जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, हम उसको नीचे रखेंगे परसेंटेज निकाल, तो ये हमारा 91 आएगा, क्योंकि हम ये बोलेंगे कि इससे कितना ज्यादा है, ठीक है, व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल प्रोडक्शन टाइप, हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे रखेंगे, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे इस 120 को इधर करके आ जाएंगे फिर उनका आंसर मैच नहीं करेगा या वो गलत पिक करके आ जाएंगे, तो 29/91 × 100 तो ये चीज आपको याद रखनी है, जिससे हम कंपेयर करते हैं तो उसको हमें नीचे रख। ये बोला कि नंबर ऑफ ईयर इन विच द प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि जो एवरेज प्रोडक्शन है डी का जो एवरेज प्रोडक्शन है, तो डी का हम पहले इसको प्लस कर लेंगे, ये हमारा जाएगा 205, इसको हम एवरेज निकालेंगे क्योंकि 5 साल है, 1, 2, 3, 4, 5, इसको 5 से हमने डिवाइड कर लिया, इसका एवरेज प्रोडक्शन हो गया 41। ये बोल रहा है कि बी में ऐसे कितने साल है जो इसके एवरेज प्रोडक्शन से कम है, तो बी में ये 42 है, ये तो ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये 41 से कम है, ये 41 से कम, ये ज्यादा है, यानी 2 साल ऐसे है जो इसके डी के एवरेज प्रोडक्शन से कम। आपको इस क्वेश्चन थोड़ा सा हिसाब पढ़ना है, ध्यान देके जब इधर इसको 15% लॉस पे बेच रहा है, यानी कि ये किसी भी चीज का अगर 100 है इसका सीपी, और ये 15% लॉस में 85% की उसकी कीमत पर बेच रहा है, तो अगर ये उसको 109 यानी 9% गेन में 109 पे बेचे तो उसको इतने ज्यादा मिल रहा है, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस है 30.7, इसका और 85% और 109% का डिफरेंस है। अब उसमें
ये टोटल परसेंटेज में आप देखें तो ये होगा 24%, यानी कि 24% की वैल्यू कितनी है, 30.60 है। हमें निकालेंगे टू गेन 1%, व्हाट शुड ही शुड, यानी कि हमें इसका 110% का, तो सीधी सी बात है जो वैल्यू हमें दे रखी है 30.60 ये इक्वल है 24, इसको नीचे रख दो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी और फिर इसमें 10% की वैल्यू निकालो तो आपका आंसर आ जाएगा। आपसे सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 24 6 24 30.6 है, 4 6 24, 4 7 28, 4 6 24, 4 5 20, एक ट्रायंगल है ए सी, इसके बाइसेक्टर यानी कि इसके कोण के दो द्विभाजक है, यानी कि ये और ये कोण इक्वल है आपस में, ये और ये आपस में ये ओ पे मिल रहे हैं, और हमारा जो बी ओ सी है ये 122 है। काफी बेसिक क्वेश्चन है, काफी बार प्री और मेंस में पहले आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, तो हमें ए कोण निकालना है, तो तब भी जब भी इसको हम बी ए सी भी बोल देते हैं ए, यानी जब भी हमें कोण ए निकालना है या इसको हम कोण बी ए सी भी बोल सकते हैं, तो इसका वो है जब ये भी बाइसेक्टर रहता है 90 प्लस BOC हमारा 122, 90 BAC यानी A by 2, 90 इस तरफ आएगा 32 हो जाएगा, इक्वल टू A by 2, A हमारा 32 है, इसे मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, x की बाय 4 प्लस, जब भी ये माइनस की दे रखे हम इसको अगर डेनोमिनेटर में लेके जाएंगे डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर तो ये प्लस की हो जाएगी 194, दोनों तरफ इसमें आप 2 ऐड कर लीजिए, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 2 ही बचेगा, इक्वल टू 196, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू, ये जब इसको रूट कर देंगे दोनों तरफ तो 14, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर 14, दोबारा इसमें दोनों तरफ 2 ऐड कर लीजिए, फिर से ये बन जाएगा हमारा x प्लस 1 बाई x का होल स्क्वायर 16, फिर से आप इसको क्यूब स्क्वायर रूट कर लीजिए दोनों तरफ, तो हो जाएगा x प्लस 1 बाई x इक्वल टू इसका हो जाएगा 4। अब इधर आके लगता है कि क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं, सर अब इसको x से न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई x, तो यहाँ जाएगा x स्क्वायर
यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स से न्यूमरेटर प्लस यहाँ एक्स आएगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा ये वन हो गया तो यहाँ हो जाएगा फोर एक्स। इसको यहीं छोड़ दीजिए। इसको जब हम हमें इसकी वैल्यू निकाल लिए इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस फोर माइनस दो दूनी चार एक्स यानी एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस फोर नीचे निकाल। यहाँ से हमें देखो ये कुछ इधर मिल रहा है ये एक्स स्क्वेयर फोर एक्स को इधर ले आओ माइनस फोर एक्स इक्वल टू प्लस वन को इधर ले आओ माइनस वन यानी एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स हमारे माइनस वन आ रहा है ये वैल्यू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स की यहाँ रख दो माइनस वन एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस वन प्लस फोर इक्वल टू काफी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा जो अगले जो 14 से 25 क्वेश्चन थे और इसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है और मैं ऐसे वीडियो और आगे बनाता रहूंगा ऐसे सीजीएल प्री की। और आपकी ये मेरी वीडियो कैसी लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।